नमस्कार, मैं हरिओम पांडे फिर हाजिर हूँ पाइथन पांडास की सीरीज को लेकर। आज हम पढ़ेंगे कि डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि सीरीज कैसे क्रिएट करते हैं, और वहाँ पे भी मैंने इस वेबसाइट को मेंशन किया था। आप उस ऊपर इस वेबसाइट को देख रहे हैं। अगर आपको प्रोग्रामिंग को कोडिंग करनी है, पाइथन की कोडिंग करनी है, उसके डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज को यूज़ करना है, तो आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ये टोटली फ्री है और इसके लिए आपको अपने सिस्टम में कोई भी अदर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपना इंटरनेट कनेक्ट करना है और इस वेबसाइट पे जाना है और आपको आपके प्रोग्रामिंग करने की पूरी आज़ादी मिलेगी। तो आइए हम सीखते हैं डेटा फ्रेम कैसे बनाना। तो लास्ट टाइम हमने ये सीरीज़ के बारे में सीखा था कि कैसे कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि इम्पोर्ट करते हैं एक लाइब्रेरी को, इम्पोर्ट किया जाता है, और सीरीज़ और डेटा फ्रेम ये हम यूज़ कर सकते हैं पाइथन पांडास लाइब्रेरी से। इसको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। पहले पाइथन इंस्टॉल करते हैं, पाइथन के बाद उसमें हमें पांडास लाइब्रेरी अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। और सबसे ख़ास बात इस लाइब्रेरी की ये है कि सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में अगर कोई लाइब्रेरी यूज़ की जाती है तो पांडास लाइब्रेरी, क्योंकि ये डेटा साइंस के लिए है, डेटा मैनिपुलेशन के लिए है, बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ में आता है। ठीक, तो ये सब तो आप लास्ट टाइम पढ़ चुके थे कि इम्पोर्ट किया गया है, इम्पोर्ट करने के बाद उस पांडास लाइब्रेरी की अलियासिंग की गई है। उसके बाद हमने यहाँ एक वेरिएबल बनाया और उसके आगे इक्वल टू लिखा, उसके बाद उस लाइब्रेरी या तो पीडी अगर अलियासिंग की है, अदरवाइज हमें पांडास यहाँ पे लिखना होगा। लिखने के बाद हमने सीरीज लिखा था और ये लिस्ट एक पास की थी। लिस्ट के बाद कॉमा सेपरेट करके मैंने इंडेक्स, उस लिस्ट की अलग से एक इंडेक्स बनाया था, उस इंडेक्स को समझाया था, बना के दिखाया था। तो यहाँ देखिए ये इंडेक्स है, 5 से लेके 9 तक गया है, उसके बाद उससे रिलेटेड ये डेटा है जो 1 से लेके 5 तक गया हुआ। तो ये एक्चुअल में ये हमारा डेटा है और उसकी इंडेक्सिंग यहाँ पे की गई है। पाइथन पांडा ही एक ऐसी लाइब्रेरी है जो पाइथन में हमें इंडेक्स को एडिट करने की फैसिलिटी देती है। तो सीरीज मैंने बताया था, ये रन करा के इसका यहाँ पे आउटपुट निकला हुआ है। अब आज हम सीखेंगे कि कैसे डेटा फ्रेम बनाते हैं। तो डेटा फ्रेम बनाने के लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा डेटा फ्रेम, यहाँ पे हमें डेटा फ्रेम लिखना होगा। सॉरी, याद रखिएगा, सीरीज लिख रहे हैं या डेटा फ्रेम लिख रहे हैं, तो ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन में आप ध्यान से देख रहे होंगे तो प्रिंट भी एक फंक्शन है और डेटा फ्रेम भी एक फंक्शन है, लेकिन प्रिंट का कलर कुछ और है और डेटा फ्रेम का कलर कुछ और है, पहली चीज। दूसरा डिफरेंस क्या है, प्रिंट में जो पहला वर्ड लिखा है पी, प्रिंट का जो पहला कैरेक्टर है वो स्मॉल में है, लेकिन यहाँ पे डेटा फ्रेम का पहला कैरेक्टर और डेटा का पहला कैरेक्टर और फ्रेम का पहला कैरेक्टर कैपिटल में है। क्यों कैपिटल में है? क्योंकि ये पांडा का लाइब्रेरी है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई क्लास बनाते हैं, उस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, यानी उस क्लास की पूरी फीचर को एक फंक्शन के अंदर डिफाइन कर देते हैं, तो इस तरह से वो कैपिटल में ही होता है, क्योंकि उसी क्लास का हम नाम यूज़ करते हैं। और जब भी क्लास हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे कि जावा हुआ या पाइथन हुआ, तो वहाँ क्लास का पहला कैरेक्टर हमेशा कैपिटल में होता है। और अगर दो वर्ड को हम मिला के बना रहे हैं तो दोनों वर्ड के पहले पहले कैरेक्टर हमेशा कैपिटल में होंगे। इसलिए ये एक फंक्शन है, लेकिन पूरी क्लास की प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। उस क्लास में क्या क्या किया गया है, उस कोडिंग की वजह से ये पूरा फंक्शन वो क्लास का पूरा काम करके दिखाएगा। ठीक, तो ये एक फंक्शन है, लेकिन इसको कंस्ट्रक्टर भी कहा जाता है। तो डेटा फ्रेम है। चलिए हम इसको इंडेक्सिंग को यहाँ हटा देते हैं, अभी हम इंडेक्स के बारे में सीखेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं कि डेटा फ्रेम कैसे रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आउटपुट ले आने से पहले एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे एक इंडेक्स दिया 5 से लेके 9 तक, उसके बाद इससे रिलेटेड वैल्यू दिए, ये सीरीज का आउटपुट है। अगर हम चाहते हैं कि डेटा फ्रेम में इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ पे ये इंडेक्स जो चल रहा है, ये इंडेक्स रो वाइज चल रहा है। जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ एक और इंडेक्स शुरू हो जाएगा, वो बाई डिफॉल्ट वैल्यू 0 से होगी। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, आपको ये सारी कोडिंग तो समझ में आ रही होगी। ठीक, तो ये चीज़ देखिए, आप यहाँ देखिए, मैंने इंडेक्स हटा दिया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट रो इंडेक्स की भी वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर 4 तक गई है, और कॉलम इंडेक्स की भी वैल्यू हम देख रहे हैं कि 0 से स्टार्ट हुआ है। कॉलम इंडेक्स की वैल्यू कॉलम की तरफ इंक्रीज करेगी, रो इंडेक्स की वैल्यू रो की तरफ इंक्रीज करेगी, अगर बाय डिफ़ॉल्ट है तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 से लेके आगे बढ़ता चला जाएगा।
तो ये तो डेटा फ्रेम बन गया। अब यहाँ पे दो चीज़ समझनी, क्यों ये ज़ीरो आया। ज़ीरो इसलिए आया कि डेटा फ्रेम, जब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पाइथन और पांडाज में दो चीज़ें यूज होती हैं, एक सीरीज़ और एक डेटा फ्रेम। इसके पहले एक चीज़ है, उस मैंने वीडियो में बताया हुआ है, लास्ट मेरे यूट्यूब चैनल पर आप जाके एक वीडियो देख सकते हैं नंपाई के बारे में। उसमें यह बताया गया है कि जो एरे होता है वो एरे वन डायमेंशन होता है, टू डायमेंशन होता है, थ्री डायमेंशन यानी कि मल्टी डायमेंशन होता है, तीन तरह के होते हैं। तो जो सीरीज़ है वो वन डायमेंशन की तरह रिएक्ट करता है और जो डेटा फ्रेम है वो टू डायमेंशन की तरह रिएक्ट करता है। लेकिन एरे हमेशा होमोजेनियस होता है, यहाँ पे सीरीज होमोजेनियस होगा लेकिन डेटा फ्रेम हमेशा हेट्रोजेनियस होगा। मतलब यहाँ पे जो इसके अंदर लिस्ट के अंदर हम जो डेटा रख रहे हैं वो डेटा मल्टीपल डेटा टाइप का हो सकता है। हम डीजर भी रख सकते हैं, हम स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, हम फ्लोट वैल्यू भी रख सकते हैं। तो ये इसके फीचर हैं। अच्छा चलिए, इसमें हम इसको थोड़ा सा 2D की तरह दिखाते हैं। मैंने अभी 2D का नाम लिया, 2D एरे की तरह, तो हम इसको 2D एरे की तरह बनाते हैं। तो हम एक और लिस्ट यहाँ पे बना लेते हैं और उस लिस्ट को यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करके आपको दिखाएंगे कि ये लिस्ट कैसे दिख रही है। तो हम इसके लिए एक और लिस्ट बना लेते हैं, सॉरी ये कर्ली ब्रैकेट था। तो यहाँ पे अच्छा लिस्ट बना रहे हैं तो ये 2D कैसे बनेगा ये देखिए। यहाँ पे एक कॉमा सेपरेट कर दीजिए, कॉमा से दोनों लिस्ट को सेपरेट कर दिया। अब इस लिस्ट के अंदर मैं फिर से कोई वैल्यू रख देता हूँ, लाइक इस तरह की कुछ वैल्यू रख देता हूँ, स्ट्रिंग नहीं पास कर रहा हूँ भी। ठीक, तो ये वैल्यू मैंने रख दी। अब इसको 2D में करना, तो इसको अंदर, इसको भी एक लिस्ट के अंदर हमको रखना होगा। तो इस तरह का कुछ हमको कोड लिखना होगा अगर हम इसको 2D की तरह देखना चाहते हैं। अभी तो ये 1D में दिखा रहा था, लेकिन अभी 0 आ गया है तो ये 2D है, लेकिन दिख रहा है हमें वन डायमेंशन की तरह। तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, प्रिंट होगा क्या, वेरिएबल ए। वेरिएबल ए के अंदर क्या है, ये लिस्ट है और उसकी डेटा फ्रेम किया जा रहा है फंक्शन के अंदर से। तो सॉरी कुछ एरर आ रहा है, मुझे देखना होगा कि क्या एरर है। तो जैसा कि अभी आप देख रहे थे कि बार बार एग्जीक्यूट करने के बाद ये रिजल्ट आ गया, क्योंकि आउट जो मैंने कोड लिखा वो सेम टू सेम कोड है, कोई चेंजेस नहीं किए। प्रॉब्लम ये थी कि सर्वर रिस्पांस नहीं कर रहा था, इस वेबसाइट का सर्वर तुरंत रिस्पांस नहीं किया, इस वजह से वो एरर दिखा रहा था। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि अभी जब हम डेटा फ्रेम बना रहे थे तो ये जब मैंने लिखा था, जब मेरा पहला रिजल्ट आया था तो कॉलम में इंक्रीज हुआ था, लेकिन जैसे मैंने इसको 2D में कन्वर्ट किया, दो लिस्ट पास किए, तो ये रो की तरफ इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 और 1, ये आपके रो इंडेक्स कहलाएंगे, और यहाँ पे आपका जो ये 4 और ये जो पूरी चीज़ दिख रही है ये आपका कॉलम इंडेक्स कहलाएगा। ठीक, तो ये तो कुछ आपका डेटा फ्रेम हो गया। और अब आइए इसी का हम इंडेक्स करते हैं। तो इंडेक्स करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, मुझे यहाँ पे एक कॉमा सेपरेट करना होगा डेटा फ्रेम के फंक्शन के अंदर, और बस ये लाइन हमको लिख देनी होगी। फिर पहले से मैं लिख के रखा था, तो ये लाइन हम जब लिख देंगे तो इंडेक्स इक्वल टू एक सीरीज पास करेंगे, एक लिस्ट पास करेंगे, इस लिस्ट के अंदर हम वो वैल्यू लिख देंगे, और जैसे ये वैल्यू लिखेंगे तो हमारा जो एग्जीक्यूट होके आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं जो रो इंडेक्स है वो हमारा चेंज हो गया है। अगर हमको कॉलम इंडेक्स चेंज करना है तो हमें फिर एक यहाँ पे कॉमा लगाना होगा। जैसे ही हम कॉमा लगाएंगे और हम फिर से उसी चीज़ को मैं फिर से पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स की जगह हमको लिखना होगा कॉलम। यहाँ हम लिख देंगे इंडेक्स की जगह पे कॉलम। ठीक, और ये वैल्यू को हम एडिट कर देंगे, इस वैल्यू को हम लिख देते हैं, हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये आप यहाँ पे लिख देते हैं ए, देन यहाँ आपने लिख दिया कॉमा सेपरेट करके बी, देन अगेन इसी के आगे कॉमा सेपरेट लगाया, और जितनी वैल्यू है, 5 वैल्यू हो, 5ों वैल्यू के लिए आपको कॉलम इंडेक्स देना होगा, किसी एक को भी आपको छोड़ना नहीं है। तो आप इसको यहाँ पे आप सी पास कर सकते हैं, आप फिर उसके बाद आप कॉमा देते हैं, कॉमा देने के बाद आप फिर से स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी लिख दीजिए, फिर आप कॉमा से सेपरेट करेंगे उस वैल्यू को, और देन आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी इंडेक्स वैल्यू जो आप चाहते हैं, स्ट्रिंग या नंबर में आप कुछ भी लिख सकते हैं। और इसको फिर रन करा के देखते हैं कि क्या होता है। रन कराने के बाद ये जो कॉलम इंडेक्स है वो चेंज होगा। इंडेक्स लिखेंगे तो
रो इंडेक्स चेंज होंगे, कॉलम लिखेंगे तो कॉलम इंडेक्स चेंज होगा। तो एक बार इसको रिजल्ट देखते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी एक एरर आ रहा था, वो एरर इसलिए आ रहा था कि जो हमने कॉलम की स्पेलिंग लिखी थी उसमें कॉलम्स लिखना होगा, एस बी लगाना होगा। तो कॉलम्स इक्वल टू, मैंने जैसे ये लिखा, ये अंदर लिस्ट एक पास किया, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कॉलम के इंडेक्स वैल्यू चेंज हो चुकी है। और अगर हम इंडेक्स लिखेंगे तो इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो ये आपको सी डेटा फ्रेम आपको बनता हुआ दिख रहा है। ये जो डेटा फ्रेम है ये हम लिस्ट के थ्रू बना रहे हैं। अगर यही डेटा फ्रेम हमको डिक्शनरी के थ्रू बनाना है तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने पहले से कुछ कोड लिखे हुए हैं, वो आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे आपको कोड जो दिख रहा है, जो अभी मैं पेस्ट करूँगा, ये कोड पहले से मैंने बना के रखे हुए थे और कुछ इस तरीके से ये कोड है। मैं इसको कुछ देर के लिए रोक देता हूँ, ठीक। ये आपका कमेंट हो गया कुछ देर के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे वही चीज़ हो रही है, इम्पोर्ट हो गया, उसके बाद एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल के अंदर मैंने पूरी डिक्शनरी पास कर दी। डिक्शनरी पास करने के बाद मैंने डेटा फ्रेम के अंदर उस वेरिएबल को पास करके और उसको सी वेरिएबल में सेव करा लिया, और उसके बाद सी वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट कर देना। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात क्या है, जो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, डिक्शनरी में हमेशा ये चीज़ कॉमन रहती है, और इसको हमेशा अपने पास दिमाग में रखिए कि जो ये इंडेंटेशन दिया है, इसके पहले जो वैल्यू लिखी है ये की वैल्यू है, जो नेम लिखा है, और उसके बाद जो ये वैल्यू लिखी हुई है ये वैल्यू उसकी वैल्यू के रिलेटेड वैल्यू है, यानी कि इसका ये वैल्यू है एक्चुअल। डिक्शनरी इसी तरह से कुछ होती है। अगर आपको एक नाम देना है तो लिस्ट में पास करने की ज़रूरत नहीं है, जो ये लिस्ट बना हुआ है, अगर आपको एक नाम लिखते हैं तो लिस्ट में पास करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ज़्यादा लिस्ट पास कर, मतलब इसका एक नाम लिखते हैं तो लिस्ट में लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कई सारे नाम लिखते हैं तो लिस्ट में कंबाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ दो कॉलम बनेंगे। अच्छा, डिक्शनरी में मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, ये जो नेम लिखा है और ये जो सैलरी लिखी है वो आपका ऊपर कॉलम इंडेक्स में आएगा। आप देख लेते हैं, देखते हैं कि कैसे होगा, और इधर बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी, ठीक। और इसी के अंदर एक और डिक्शनरी अगर हम पास कर देंगे तब वो डिक्शनरी में जो की वैल्यू होगी वो यहाँ पे आएगी। तो इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि कहीं कोई अपनी तो गलती नहीं कर रही है। हमारी कोई गलती नहीं है, ये सर्वर की कुछ गलती लग रही है, कोड की गलती नहीं है। देखिए मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, और एज इट इज़ हमारी वैल्यू आ गई उसी कोड को। तो ये सर्वर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, कभी कभी होता है, नेट की स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मेरा रिजल्ट आ चुका है, ये मैंने कोड जनरेट किया है बाय यूजिंग डिक्शनरी, और ये कोड मेरा जो था ये बाय यूजिंग लिस्ट। तो इसको भी एक बार हम रन करके साथ में ही देख लेते हैं कि क्या ये रन करता है एक साथ ही, नहीं डेफिनेटली करेगा, और ये दोनों का अलग अलग तरीका है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ही वेरिएबल हमने यूज़ किया ए, और यहाँ बी और सी है, तो रन कर जाएगा। देखते हैं दोनों का रिजल्ट अलग अलग आ रहा है, ये पहले वाले कोड का रिजल्ट है और ये दूसरे वाले कोड का रिजल्ट है। आप यहाँ पे देखिए सैलरी और नेम, ये दोनों चीज़ें जो लिखी हुई हैं वो की वैल्यू है किसकी, डिक्शनरी की, इस बात को याद रखिएगा। और ये जो वैल्यूज दिखा रही है अंकित, और ये जो नाम लिखा है, ये सैलरी लिखी है, ये क्या है, ये है आपका, ये जो वैल्यू से रिलेटेड वैल्यू है वो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो ये आप कुछ डेटा फ्रेम कैसे बनेगा लिस्ट और डिक्शनरी के थ्रू, ये आप यहाँ पे देख चुके हैं। आगे इसके बारे में हम और पढ़ेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।